बल्ले बल्ले दिख नहीं रही है था। और इसकी बल्ले बल्ले है? बल्ले बल्ले है मोदी की, मोदी की बल्ले, राहुल की बल्ले बल्ले क्यों नहीं है? राहुल की तो दिख रहा थल्ले थल्ले लग रहा, राहुल तो जाने थल्ले थल्ले है। अमेरिका पहुंच के पास गया था और तैयारी इब का है और चप्पर के लेगा तब। आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको बनाएंगे नहीं, उसको तो बोल, उसको तो यही नहीं पता है भाई आलू जमीन में उगता है या पेड़ पे लगता है। वो क्या राज करेगा और क्या हिंदुस्तान को राज के बारे में समझाएगा? उधर मोदी और योगी दोनों के दोनों मतलब कि एकदम डंके की चोट पे। और हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनेगा, यहाँ पे ओबीसी मोर्चे का ना सीएम बनाया और ना मतलब कि अंबाड़े की तरफ किसी को देखा है। तो ये कोई देखने वाला है सिर्फ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी की देन है जो मतलब ओबीसी मोर्चे को आज उसने मतलब यहाँ हरियाणा में खड़ा किया। शैलजा तो धरने पे बैठ गई थी, हुड्डा जी कह रहा मैं कांग्रेस छोड़ता हूँ, मेरे को मतलब की उसको बढ़ाओ। और चित्रा के बारे में इतना मतलब की बुरा घमसान मिलता रहा, आज तक उसको बेचारी को वो महिला अपने रूट के आई वहाँ से, कहती मेरे को टिकट नहीं दिया। तो कांग्रेस के अंदर तो कोई बंदा नहीं था, वो तो कर दिया बोल रहे हैं, वो तो पार्टी को कह रहे थे हमारे को बंदा दो एमएलए के लिए। जीत होगी मोदी जी की, जीत है एक तरफा, एक बहुत बढ़िया माहौल है। और हर हाल में नायब सिंह सैनी आएंगे और तीसरी बार सरकार बीजेपी की बने, जिसको यही नहीं पता कि सिख क्या होते हैं और मोर्चा वाले क्या होते हैं, ओबीसी क्या होते हैं, उसको यही नहीं पता आरक्षण खत्म करने की बात करता है। ये बेवकूफ आदमी है जो अपने देश की बदनामी कर रहा है, हमारे देश की बदनामी कर रहा है, वो बेवकूफ ही होगा। बल्ले बल्ले दिख नहीं रही था। और इसकी बल्ले बल्ले है? बल्ले बल्ले है मोदी की, मोदी की बल्ले, राहुल की बल्ले बल्ले क्यों नहीं है? राहुल की तो देख रहा थल्ले थल्ले लग रहा, राहुल तो जाने थल्ले थल्ले है। तो अमेरिका पहुंच के पास गया था और तैयारी इब कहा है और चप्पर के लेगा तब। कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, करेगा तो आरक्षण खत्म है जो बनेगा वो। और क्या उसको बनाएंगे नहीं, उसको तो यही नहीं पता है भाई आलू जमीन में उगता है या पेड़ पे लगता है। वो कहता है मशीन लगाओ आलू बनाओ, आलू मशीन में बनते हैं, आलू जमीन में बनते हैं, उसको ये नहीं पता। वो क्या राज करेगा और क्या हिंदुस्तान को राज के बारे में समझाएगा? मोदी जी की बल्ले बल्ले है। 2014 से पहले ये भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान भी कोई देश है, आज पूरे मुल्क के अंदर मोदी जी की जय जयकार है। तो इसीलिए साथियों मोदी तो जरूर आएगा आएगा। उधर मोदी और योगी दोनों के दोनों मतलब की एकदम डंके की चोट पे। और हरियाणा में नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनेगा यहाँ पे। तो क्या है नायब सिंह सैनी? नायब सिंह सैनी में ये है कि नायब सैनी मतलब कि लोगों के साथ जुड़ा है, बहुत ही काम कराता है, हर बंदे की बात सुनता है। और सीएम हाउस में चले जाओ 2 बजे तक मीटिंग लेता है और सभी बंदों को वहाँ पे खाना लंगर सब कुछ मिलता है। बीजेपी कांग्रेस के टाइम में वहाँ पे किसी को चाय भी नहीं मिलती थी, आज के टाइम में वहाँ पे लंगर भी मिलता है और हर बंदे की सुनाई नायब सैनी करता है। तो बताइए मेरे को ये बताओ आप कि नायब सैनी क्यों नहीं बनेगा? नायब सैनी इसीलिए बनेगा कि ओबीसी मोर्चा उसके सारा साथ है और जितने मतलब की 35 बिरादरी सारी उसके साथ है, क्योंकि आज तक किसी ने भी मतलब की ओबीसी मोर्चे का ना सीएम बनाया और ना मतलब की अंबाड़े की तरफ किसी को देखा है। तो ये कोई देखने वाला है सिर्फ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी की देन है जो मतलब ओबीसी मोर्चे को आज उसने मतलब यहाँ हरियाणा में खड़ा किया। हरियाणा में तो कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, वो तो आपको पता ही है। शैलजा अलग, सुरजेवाला अलग, हुड्डा। अरे शैलजा तो धरने पे बैठ गई थी, आपको पता होगा, आपको पता होगा, शैलजा तो धरने पे बैठ गई थी, हुड्डा जी कह रहा मैं कांग्रेस छोड़ता हूँ, मेरे को मतलब की उसको बढ़ाओ। और चित्रा के बारे में इतना मतलब की बुरा घमसान मिलता रहा, आज तक उसको बेचारी को वो महिला अपने रूट के आई वहां से, कहती मेरे को टिकट नहीं दिया। तो कांग्रेस के अंदर तो कोई बंदा नहीं था, वो तो कर दिया बोल रहे हैं, वो तो पार्टी को कह रहे थे हमारे को बंदा दो एमएलए के लिए, यहाँ पे खड़ा करेंगे एमएलए को, उनके पास तो बंदे नहीं थे एमएलए खड़े करने। क्या लग रहा है? लग रहा है जीत होगी मोदी जी की, जीत है एक तरफा, एक मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी भाई, नायब सैनी भाई, नायब सैनी। क्या नाम है? वरिंदर कनौजिया। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और हर हाल में नायब सिंह सैनी आएंगे और तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं, 0/0 0/0 क्योंकि उसने काम ही नहीं करा कोई, अब काम कर रहा है। तो देखो अब 2014 के बाद जो मोदी जी कर गए हैं वो आज तक कोई ना कर सका है ना करेगा। गांधी कह रहे हमें लाएंगे, वो तो लाके बेकार है, वो पागल होंगे जो लाएंगे राहुल गांधी को।
अरे विदेश में भारत के खिलाफ बोल रहे हो? बिल्कुल भाई, वो जिसको यही नहीं पता कि सिख क्या होते हैं और मोर्चा वाले क्या होते हैं, ओबीसी क्या होते हैं, उसको यही नहीं पता आरक्षण खत्म करने की बात करता है। अरे पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दे रहे? क्यों पहनने देंगे, क्यों? वो हमारे भाई नहीं है क्या? वो हरियाणा के हैं, पंजाब के, पूरे देश के हैं। सिखों का भी पूरा राज है हमारे पे और हम भी उनके हैं, हमारे खून में उनका खून है। वो क्यों कह रहे थे यहाँ पे पहनने नहीं दिया जा रहा? अब बस ये कोई बता दो, आप एक केस बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर की, कहीं सिखों को पिगड़ी पगड़ी के रोका हो, कड़े के बारे में रोका हो, कहीं एक केस बता दो मेरे को। आज देश में क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी? ये बेवकूफ आदमी है जो अपने देश की बदनामी कर रहा है, हमारे देश की बदनामी कर रहा है, वो बेवकूफ ही होगा। बिल्कुल बेवकूफ है जी, मैं सरेआम कह रहा हूँ। हिंदुस्तान कह रहा है उसको तो पप्पू है, पप्पू को क्या पता है? पप्पू को कुछ नहीं पता है, वो तो सिर्फ मतलब की उसको पता है वो साथ है और साथ है वो तो सिर्फ उनकी। अब वो कह रहा है ना मेरे की 370 धारा दोबारा लेके आऊंगा हिंदुस्तान, वहाँ पे श्रीनगर में जिताऊंगा। श्रीनगर में कौन जिताएगा उसको? जो मतलब की हिंदुस्तान की काट करेगा उसको हम पाकिस्तान बचा देंगे, वो पाकिस्तान वापस जाएगा उनके साथ, अपने पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि नेहरू खानदान सारा ही पाकिस्तानी वो है। तो साथियों मैं तो आप सभी को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, उसको कहो पप्पू तू आराम से बैठ जा, तेरे बस का हिंदुस्तान चलाना नहीं है और तेरे बस की राजनीति नहीं है, राजनीति है आपका। मोदी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? तारा चंद। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? मोदी की रैली में। मोदी की रैली में? हाँ। चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है, किसका माहौल है? कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी आएगी पूरे हरियाणा फर्स्ट, बढ़िया फर्स्ट क्लास, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम से बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कह रहे हम टक्कर हैं हमें फुल। नहीं नहीं कांग्रेस कुछ नहीं है, बीजेपी सुरजेवाला कुछ नहीं है, सुरजा कुमारी ना ना जीरो है, कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है। गुटबाजी चल रही कांग्रेस में, क्या बता? कांग्रेस में गुटबाजी चले जाओ, लेकिन हरियाणा में सरकार बीजेपी की आएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आरक्षण खत्म करने की बात बोलने का नहीं पता क्या बात कर रहे हैं? विदेश में भी जाकर अपने प्रधानमंत्री की जो बेइज्जती कर रहे उसको बोलने का नहीं पता, उसको क्या फायदा है? विदेश भाग जाते हैं वो तो पप्पू है, उसने पप्पू ने बोलने का नहीं पता बाहर विदेश में अपने देश की इज्जत कैसे की जाती है। यहाँ चुनाव चल रहे हैं वो विदेश भाग रहे हैं? वो विदेश भाग रहे हैं, वो दूसरा प्रचार कर रहे हैं, अपने बोलने की अकल नहीं है उसने राहुल, तो पप्पू का पप्पू रहेगा। क्या नाम है काका आपका? कृष्ण चंद मिश्री है जी। हाँ? क्या लग रहा है चुनाव चल रहे हैं, किसका माहौल है? माहौल तो मोदी का है। मोदी का है? मोदी का? हाँ जी बिल्कुल मोदी का है, मोदी का ही है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भैया? प्रवीण लाठर। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? आप देख रहे हो आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बिना बुलाए लोग आ रहे हैं बसों में भर भर के, जहाँ 50 लोगों को बुलाया था अब 60-60 लोग उन बसों में भरे हुए हैं, और जनता अपने आप आ रही है, एक पकड़ के नहीं लाया कोई भी, यहाँ किसी से आप पूछ के देख लो, ना दारू दिया है ना पैसे दिया है, जो कांग्रेस की रैलियों में होता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लोग अपनी मर्जी से आते हैं और मोदी जी को चाहते हैं और हमारे कैंडिडेट को दोबारा जितवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर लेके आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से उनका जुतपतरी हो रही है सभी में, आपस में नेताओं में गुटबाजी चल रही है, जो अलग, क्योंकि उनके नेता ऐसे हैं 2-3 महीने पहले तैयारी करते हैं, वो आके नेता बन जाते हैं, चश्मे लगा लेते हैं, चिट्टे कुर्ते पजामे पहन लेते हैं, नेता बन के और फिर लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं, वो भी टिकट मांगता है, ये भी टिकट मांगता है, जनता उससे पहले कोई पता नहीं कौन बनना था, उस मुख्यमंत्री का तो पता नहीं कौन बनेगा, जब कोई काट के अंडी कितने बार चढ़ सकती है, मुख्यमंत्री का तो सोच ही नहीं है उनमें, लड़ाई पहले ही है चुनाव से पहले, हाँ उससे पहले ही लड़वा के वो उसके कैंडिडेट को हरवाना चाहता है, दूसरा उसके कैंडिडेट को हरवाना चाहता है कांग्रेस के, भाई जो शैलजा ने टिकट दिलवाई है उसको हुड्डा जी हरवाना चाहते हैं, जिसको हुड्डा ने टिकट दिलवाई है वो शैलजा जी हरवाना चाहती है, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो राहुल गांधी जी हरवा देंगे उनको। राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म, क्योंकि उन्होंने विदेश में बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर कहते थे उन्होंने चुनाव में एक झूठ बुलाया था कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, अब वो देख लो ना उनकी नियत से निकल के आ गया ना कि वो क्या चाहते हैं, कि वो ये कहते हैं कि मैं, उसने तो बोल ही दिया सीधा सीधा कि मैं तो आरक्षण को खत्म करूंगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो अभी इनको भी डर लग रहा है कि हुड्डा को और हमें नेता कहने में, इसीलिए तो विदेश में समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए तो विदेश में जाके बैठ गया ना वो, जिस दिन वो यहाँ राहुल गांधी को ले आए उस दिन जो लोग हैं अपने SC के हैं BC के हैं जिनको पता है कि भाई आरक्षण खत्म करने वाला है, वो वोटें भी खत्म हो जाएगी उनकी, तो उसके डर के वो वहाँ पे बैठा, बहुत गुस्सा है उनसे, गुस्सा तो होंगे ही, जो लोग उन्होंने भाजपा के बारे में झूठ फैलाया था ना, तो वो अब वो खुद साबित कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे आप। तो यहाँ नायब सिंह कैसा काम कर रहे हैं? नायब सिंह आपने देखा है पिछले 3-4 महीने से ये अधिकार मिला है, उससे पहले तो हमारे साथ टाइम ही नहीं था हमारे पास, JJP के साथ
हमारा समझौता था वो काम ही नहीं चलने देते थे कहीं पे। जिस दिन से नायब सैनी जी अब सरकार में बने हैं, कोई हर व्यक्ति उनसे खुश है और एक ऐसा ऐसा मुख्यमंत्री है कोई भी जाके रात को दिन में किसी भी टाइम मिल सकता है, कोई हाथ पकड़ सकता है, एक आम कार्यकर्ता की तरह उससे बातचीत करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री है। और देख रहे हैं जनता, आम जनता बनाएगी, कोई नेता ये जो भाग के फिर रहे हैं ना नेता, जो कांग्रेस के नेता बनते हैं, नेता सरकार नहीं बनाता कभी, जनता सरकार बनाती है, जनता की सरकार वोट से सरकार बनती है, तो वो जनता देने के लिए तैयार है, ना कि कोई नेता से।